कल हिंसा सबसे ज्यादा दलित आंदोलन के वक्त मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान का इलाका, वहां पर करौली जिले के हिंडोन में। दरअसल दलित मुद्दे से राजनीति छेड़छाड़ करती है, लेकिन उसके बाद असर क्या होता है और कानून का राज लगता है जैसे है ही नहीं। हमारे संवाददाता मनीष दरअसल उस जगह पर पहुंचे जहां पर सवर्णों ने दलितों की दुकानों पर और दलितों के घरों पर हमले कर दिए। जरा सुनिए और देखिए। राजस्थान के करौली जिले का हिंडोन सिटी, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये आग में जलता हुआ शोरूम, कूलर का ये शोरूम था जिसमें आग लगा दी गई। ये उत्पात तब भड़का जब एक दिन पहले दलित समाज की रैली निकली थी और उसके जवाब में सवर्ण समाज के लोगों ने आज यहाँ पर रैली निकाली थी। इसी दौरान भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। जी, आग लगी हुई है, लेकिन कानून कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ पर है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जब आग लगती है तो उसमें ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन विधायक है, कौन पूर्व विधायक है, कौन बीजेपी से आता है, कौन कांग्रेस से आता है। यकीन नहीं आता है तो हम आपको एक हमारे संवाददाता जहां पर पहुंचे वहां की स्थिति देखिए। विधायक और पूर्व विधायक दोनों के घर पर हमला, क्योंकि दोनों दलित हैं। हिंडौन की बीजेपी विधायक राजकुमारी जाटव का ये मकान, ये भी सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों का निशाना बना। हम देख सकते हैं कि आग के हवाले कर दिया गया इस मकान को। खुद विधायक उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन घर के भीतर के सामान को इस प्रकार से आग लगाई गई। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पूरे घर में जिस तरीके से आग के निशान हैं, कि उपद्रवी भीड़ ने किस तरीके से पूरे मकान को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। विधायक जाटव का ये मकान हम देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम से सोफे निकाल के बाहर आग के हवाले कर दी गए। इसके अलावा ये बेड है, इसके तमाम कुर्सियां और दूसरे जरूरी चीज़ों को भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। किस कदर आग लगी है देखा जा सकता है दीवारों और छतों पर, किस तरीके से आग के निशान है कि पूरी छतों का प्लास्टर चटक चुका है आग की वजह से। कांग्रेस के पूर्व विधायक और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे भरोसी लाल जाटव का हिंडौन सिटी का ये मकान, उपद्रवियों ने इस मकान को सीधे तौर पर निशाना बनाया और आग के हवाले कर दिया। हम देख सकते हैं कि पूरे मकान से सामान को बाहर निकालकर आग लगाई गई। इसके अलावा हर कमरे में इस वक्त आग के निशान दिख रहे हैं, किस तरीके से आग लगाई गई। और इतना ही नहीं, मकान के अंदर जितने भी वाहन थे, दुपहिया वाहन, उनको बाहर ला करके आग के हवाले कर दिया गया। हर घर के कमरे की स्थिति देखी जाए तो ज्यादातर कमरों में इस वक्त आग की वजह से धुआं और गुबार की स्थिति है। ज्यादातर जगह पर आग लगा दी गई, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या किचन हो। जिस तरीके से राजकुमारी जाटव जो विधायक हैं उनके मकान को निशाना बनाया गया, ठीक उसी तरह से भरोसी जाटव के मकान को भी निशाना बनाया गया। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।